जब बैठे ही भगवान ने कहा तुम हमसे कुछ मांग लो, तो प्रहलाद बोले कि कुछ नहीं चाहिए, बस इतना दे दो कि अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो प्रभु मेरे पिता को वैकुंठ धाम दे दीजिए। भगवान बोले अरे बाबरे, तेने तो कछु ना मांग पायो, क्यों? क्योंकि जो मेरे हाथों से मरा है वो सीधा वैकुंठ में गया, उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर तेरे जैसा बेटा अगर किसी कुल में पैदा हो जाए तो उन्हें तो मांगने की सातों पीढ़ियों तक जरूरत नहीं है। तेरे जैसा भक्त जो पैदा किसी के घर में हो जाए फिर वो भला क्या मांगेगा, क्योंकि जिसने साक्षात भगवान के दर्शन किए हो, तेरा पिता इतना बड़ा पाखंडी और जिसके ऐसा भक्त पैदा हुआ, ऐसा पुत्र पैदा हुआ, उसे वैकुंठ तो जाना ही है। प्रहलाद रोए, भगवान से बोले हैं कि अगर आप प्रसन्न हैं तो पिता को वैकुंठ धाम तो दे दिया, वो तो ठीक है, लेकिन हे गोविंद, जब जब मैं आपको याद करूं तब तब आप मुझे दर्शन देते रहना, क्योंकि बड़े संकट झेल करके आपको लोग प्राप्त कर पाते हैं। कहते हैं ना कि एक ही डाली के दो फूल, और एक भगवान के चरणों में पड़ा होता, एक भगवान के गले में पड़ा होता, तो वो चरणों वाला फूल गले वाले फूल से प्रश्न करता कि भैया तेने कौन से अच्छे कर्म किए, क्योंकि हम दोनों एक ही डाली के हैं और तू भगवान के चरणों में, तू भगवान के गले में और मैं चरणों में। वो गले वाला जवाब देता कि तू अभी जब तक चरणों में है ना तब तक सही सलामत है, जब तक तू चरणों में है तब तक सही सलामत है, लेकिन जब गले तक आएगा तो लोग सुई डाल करके, धागा डाल करके एक माला बनाएंगे, तब तू भगवान के गले तक पहुंच पाएगा, और जब सुई चुभ ही जाएगी तो दर्द तो होना ही है। इसलिए कष्ट झेलने के बाद में भगवान प्राप्त होते, इतनी आसानी से गोविंद नहीं मिलता। अगर ऐसे ही मिल जाए तो हजारों लोग प्रसन्न कर लें। और विद्वान ये भी कहते हैं कि महाराज भगवान वहां है, कीर्तन जिनका होता होगा होगी न कपटी चाल जहां, नाचते मिलेंगे ए भैया ये सुदानंदन गोपाल वहां। प्रेम से जो प्रेम शब्द बनाया है वो कहते हैं कि प्रेम के लिए भगवान ने हर चीज को त्याग करके अपने भक्तों का मान बढ़ाया। जाकर के भगवान ने दुर्योधन के यहाँ 56 प्रकार के भोजनों को नहीं खाया, और वहां विदुरानी अकेली घर पे थी, भगवान ने कुंती खटखटाई अरे काकी दरवाजे खोलो, तो काकी ने दरवाजे खोले, स्नान कर रही थी नग्न अवस्था में भाग पड़ी, प्रभु ने पीतांबर उठायो और शरीर में लिपट गयो, काकी भूख लगी है। विदुरानी बोली कन्हैया कुछ तो है नहीं, केले रखे हैं, अगर भोग लगाना है तो खा लो। बोले खुद खिलाओ ना। तो महाराज विदुरानी इतनी प्रेम में आसक्त हो चुकी, छिलके जो थे वो कन्हैया को खिलाने लगी और गिरी फेंकने लगी, बड़े प्यार से कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर हो गई खाते खाते, विदुर जी आ गए, जो छिलके दे गए, बोले अलग क्या कर रही है, अरे कृष्ण को छिलके खिला रही और गिरी फेंक रही है, क्या पागल है, हट अलग मैं खिलाऊंगा। भगवान को विदुर जी गिरी खिलाने लगे और छिलका फेंकने लगे। थोड़ी देर बाद सवाल कियो कि गोविंद जो स्वाद काकी के छिलकों में था
वो इस गिरी में है या नहीं है। तो भगवान बोले काका चाहे बुरा मानो या भला, वो स्वाद काकी के छिलकों में था, वो इस गिरी में नहीं है। क्योंकि आप जानते हो ये छिलका है और ये गिरी है, लेकिन मेरी काकी नहीं जानती थी कि मैं क्या खिला रही हूँ। लिखा है कि ऊंची है प्रेम